नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाइव ऑनलाइन क्लास में। तो आज की क्लास के अंदर हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चन रहेंगे 37। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट एक क्लास रहने वाली है, तो सभी क्लास में बने रहना है, सभी क्लास को शेयर कर देना। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर दीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर याद रखिए मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक करना है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न नंबर, निम्न से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? कौन सा कवि है जो आपका भारतेंदु युगीन के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा हो जाएगा आंसर? बिल्कुल याद रखिएगा आपका श्रीधर पाठक। जो श्रीधर पाठक है भारतेंदु युगीन कवि नहीं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बाकी के आपके तीनों हैं, बद्रीनारायण ठाकुर जगमोहन, पंडित अंबिका दत्त व्यास, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा अगला प्रश्न है, पयोधी सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पयोधी सिंधु वारिस ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ, समुद्र, नदी या फिर गंगा? तो आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना आंसर हो जाएगा आपके सभी किसके हैं, समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ये किसके? समुद्र के हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न हमारा वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? वाक्य के अंदर काम करने वाले को क्या कहते हैं, वाक्य में बताएं? काम करने वाले को कर्ता, करण, कर्म या फिर क्रिया? तो ये क्वेश्चन आपके पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में, याद रखिएगा उसे हम क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वधुत शब्द का संधि विच्छेद, यानी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, वधुत शब्द का संधि विच्छेद बताएं, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइएगा आंसर। वधु शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद देखिए वधु प्लस में उत्सव, वधु प्लस में उत्सव ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सी ऑप्शन को आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या बन जाएगा? यानी कि खुश होना, यानी कि खुशी होना, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको इनके ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की आपको पहचान करनी है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बताइएगा लोकोक्ति और उसके, इनकी यहाँ पर आपको ये लोकोक्ति दे रखी है ए पार्ट में, तो इसमें आपका सही अर्थ वाला जोड़ा आपको छांटना है, मिलान कीजिएगा फटाफट से। ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने आगे होंगे, देखिए ये आपके सामने ऑप्शन है, इनका आंसर आपको करना है, बताइए। देखिए चित भी मेरी पट भी मेरी, इसका कौन सा बनेगा? चित भी मेरी पट भी, यानी कि दोनों ओर से लाभ होना, यानी कि दोनों तरफ से लाभ होना। फर्स्ट में आपका कौन सा जाएगा इसमें? ए। या देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि अपराधी भयभीत रहता है, बिल्कुल आपका सही है, बी इसमें आपका बन जाएगा। नाश न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, बिल्कुल ये भी सही है, इसका सी भी मिलान होगा। आगे देखिएगा, आगे दे रखा है नेकी कर दरिया में डाल, इनकी भला करके भूल जाना, ऑप्शन नंबर चार का भी याद रखिएगा डी, इसमें मिलान होगा, आपस में मिलान जो है ना आमने सामने वाले, बिल्कुल इसमें सही दे रखे हैं। कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी इसमें ऑप्शन नंबर डी में, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन का, याद रखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? इनमें से कौन सा है जो संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण, बताएं कौन सा हो जाएगा? देखिए महा प्लस औज बिल्कुल सही है, पौ अक सही है, नौ प्लस एक इनकी परोपकार जो है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका, देखिएगा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त होता है, हुआ है बताएं, अपादान कारक किसमें प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पेड़ से गिर पड़ा, इसमें पेड़ से गिर, अपादान से, ऑप्शन नंबर बी पेड़ से गिर गया यानी कि अलग हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। देखिए आपको वाक्य दे रखा अभिषेक खाली स्थान घर चला गया, बताएं अभिषेक इसमें खाली स्थान दे रखा घर चला गया,
बताइए इसके लिए क्या आएगा? प्रयुक्त शब्द एक बताएं, किसको, अपने आप, इस या फिर उस, तो क्या हो जाएगा? अभिषेक अपने आप, यहाँ पर क्या जाएगा आपका? अपने आप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा इसका, याद रखना। इसी प्रकार सवाल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न हमारा, जिस पर क्रिया का भाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का भाव पड़े उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहा जाता है भाई? क्रिया, क्रिया का भाव पड़े, प्रभाव पड़े, क्या जाएगा? कर्म। क्या कहते हैं? कर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प इनमें से कौन सा नहीं है, बताइएगा। देखिए, सूत्र सूत्र सही है, हस्त हाथ सही है, ग्राहक ग्राहक गायक सही है, कपूर कर्पूर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, निंदा का विलोम शब्द बताएं। निंदा का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्तुति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? विरोधी पक्ष के, विरोधी पक्ष के लिए इनके विपक्षी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? विपक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो पहले कभी ने हुआ हो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? जो पहले कभी ना हुआ हो, ये आपको दे रखा है यहां से लेकर, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए सही शब्द कौन सा होगा, क्या कहेंगे उसे हम? बिल्कुल, अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर ए, क्या कहेंगे उसे? अभूतपूर्व कहा जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? किस वर्ष नहीं दिया गया भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, सन 1962 में नहीं दिया गया था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? मृदुला गर्ग के द्वारा रचित नहीं है, कौन सा हो जाएगा? देखिए, पहला उसके हिस्से की धूप, ये लिखा गया था उसके द्वारा रचित है मृदुला गर्ग के द्वारा। दूसरा दे रखा, रुकेगी नहीं राधिका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी चित कोबरा, मैं और मैं, ये सभी किसके हैं? मृदुला गर्ग के हैं, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करें, बताएं कौन सा सही वाक्य इसमें से। पहला देखिए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, बिल्कुल पहला ही आपका शुद्ध दे रखा भाई, यानी कि सही वाक्य दे रखा पहला ही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 23वें क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली का अन्य नाम बताएं। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, कोसली आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान पुरुषोत्तम अग्रवाल के लिए पूछा गया है, क्या देखिएगा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल तीसरा रुख, ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा, कौन से, किसके लिए? तीसरा रुख के लिए। याद, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द जो तत्सम के रूप में, तो उज्जवल, उज्जवल जो है आपके तत्सम के रूप में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। याद देखिएगा, आपके शब्द शुद्धि के अंदर भी सवाल पूछा जाता है उज्जवल का, याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करें, इनमें से सही वाक्य कौन सा है, बताइएगा। देखिए, पहले मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, ये गलत हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया जिनमें वह यह भाषा शामिल नहीं है, 22 भाषाओं को दिया गया है, या देखिएगा कौन सी भाषा जो शामिल नहीं है, तो यदि आपको देखिए मैथिली है आपकी, मणिपुरी है, बोडो है, भोजपुरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को आपको सही करना, कौन सी नहीं है? भोजपुरी इसके अंतर्गत नहीं आएगी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। 29वां क्वेश्चन, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? व्यास सम्मान, या देखिए किसे प्रदान किया गया था 2019 में, या देखिए नासिरा शर्मा के द्वारा, नासिरा शर्मा को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा होगा? विकार, दंद, कोकला, इनमें से नींद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नींद जो है ना आपका तद्भव शब्द बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, बताइएगा। असुर का देखिए आपका निशाचर असुर का होता है, धनुज, सॉरी धनुज असुर का होता है, राक्षस असुर का ही है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं, महाकाव्य जो है ना असुर का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
सरल सा क्वेश्चन था, ये पूछा गया था एग्जाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है, बताना है कौन सी जोड़ी। देखिए राग विराग बिल्कुल सही है भाई, व्यष्टि समाष्टि, व्यष्टि समष्टि बिल्कुल आपका इसमें, या देखिए ये भी आपका सही है, उत्तम अधम ये भी सही है, बच्चा जवान नहीं होता ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बच्चा जवान नहीं होगा ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सुदी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी किसके हैं, सुदी मनीषी बुद्ध ये सभी किसके पर्यायवाची हैं भाई, आपके पंडित के हैं, याद रखिएगा एग्जाम पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइएगा, प्रश्न है निम्न में से किस इतिहासकार साहित्य सॉरी साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अनुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? किस साहित्यकार को यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, इसे क्या आंसर हो जाएगा भाई? देखिए गोपीश्वर सिंह ये गलत है, वीरभद्र तलवार ये नहीं है आपका, इसमें से कौन सा बन जाएगा, कमल किशोर गोयकना बिल्कुल नहीं, व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चले अगला क्वेश्चन, प्रश्न मार्तंड अर्क अंशुमाली निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी किसके हैं, याद रखिएगा आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखना भाई किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए, गिलास खाली स्थान तोड़ा, तुमने उसने किसने, या फिर यहाँ पर क्या जाएगा किसने, क्या आना चाहिए भाई, गिलास किसने तोड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो सभी शेयर कर देना, जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज आपका प्रैक्टिस सेट आता है सभी जुड़ा करें भाई। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक बताइएगा, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा भगवान दास, कौन बन जाएगा, भगवान दास है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक है भगवान दास ऑप्शन नंबर सी को आपको करेक्ट करना है। तो ये थे आज के टोटल क्वेश्चन आपके 37, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही करें कमेंट में अपना स्कोर कार्ड जरूर लिखा करें, सभी सभी क्लास को शेयर कर दें रोजाना सभी जुड़ा करें भाई, शाम को आपकी क्लास आती है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।